Hello everyone, you are welcome in the online classes of Advanced Senior Secondary School. तो हमने मोनोलिटिक के बारे में डिस्कस किया था, जो नॉर्मेलिटी मोनोलिटिक रिलेशन समझेंगे और हम ये देखेंगे कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। अब ये बताओ नॉर्मेलिटी NORMALITY याद रखना, अबे नॉर्मेलिटी मोनोलिटी में फर्क क्या है। नॉर्मेलिटी मोनोलिटी में यही फर्क है, उसमें मोल होते थे, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट होते थे। इसमें क्या होते भाई, ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से। नोट कर लेना बच्चे को, कैपिटल एन से नंबर ऑफ मोल को छोटा स्मॉल एन से लिखते हैं, ठीक है। इसमें पदक नहीं होगा कोई भी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। मोलरिटी में बड़े अक्षर बताते रहे, फर्क ये था यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लेते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ बाद नंबर ऑफ मोल लेते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मान लिया ग्राम इक्विवेलेंट मानता हूँ एक्स को, किसको मानता हूँ एक्स को, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं भाई, जरूरी नहीं कि यही मन संक्रणा, नहीं मर्जी आपकी। मान लिया ग्राम इक्विवेलेंट लिया एक्स से, यानी एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अपॉन करते हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में लेना है, अगर एमएल में लेंगे, अगर यहाँ पे एमएल में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, नहीं तो अगर लीटर में लिया है तो 1000 से नहीं करेंगे। यही तरीका बता दो नॉर्मेलिटी मोरलिटी कुछ निकालो, सबसे पहले वॉल्यूम को कितना लेंगे लीटर में। अब एक्स क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे मोल का होता है फॉर्मूला, क्या होता है मोल का बताओ। मोल होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट यही लिख लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट एक्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ईएम क्या होता है इक्विवेलेंट मास। और अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास, मोलर मास को एनओ से लेते थे, ओबीसी का सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, मोलर मास बाई एन, मोलर मास बाई एन फैक्टर। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू प्रूव करता हूं, बताओ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गिवन मास अपॉन ये इक्विवेलेंट मास, याद रहेगा वॉल्यूम इन यात्र दिखाई दे रहा है इसको बोल, हां ठीक है बिल्कुल। अब देखो, अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां लिखता हूं बोलो इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास बाय एन फैक्टर, यहां रखूंगा एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, गिवन मास भाई ये मोलर मास, ये वॉल्यूम इन लीटर, और ये क्या था एन फैक्टर। अब ध्यान से देखो ये क्या था, ये ऊपर लिख देता हूं, ये थी मोलरिटी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये थी मोलरिटी। तो मैं नॉर्मेलिटी है यहां पे इसकी जगह या मोलरिटी लिखूंगा एन फैक्टर, यानी मेरे पास क्या है, ये ऊपर से मिटा दूं, ये जल्दी से देखो भाई इसको यहां पे क्या करना है, हम क्या कहेंगे नॉर्मेलिटी लिख दी हुई, ये क्या है मोलरिटी, और क्रॉस मल्टीप्लाई किससे की है एन फैक्टर से, बिल्कुल नोट कर लेना भाई ये क्या है एन फैक्टर है, ठीक है। मोलरिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे एन फैक्टर से, उसको क्या बोलेंगे नॉर्मेलिटी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, तुम एन फैक्टर के आप से आप कर लो क्वेश्चन, अगर दिक्कत आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। देखो जैसे HCl है, HCl ये क्या एसिड, और जो एसिड जितने एच पॉजिटिव देता है उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं, बोलो भाई एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। जैसे NaOH है, इसका कोई एन फैक्टर पूछता तो एक, तो ये एक OH नेगेटिव आयन देगा। एचसीएल की एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी मतलब एच पॉजिटिव कितने देगा एक, तो एन फैक्टर कितना एक। अगर मेरे से पूछता कोई H2SO4 की एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 2H पॉजिटिव दे सकता, तो एन फैक्टर कितने हैं भाई दो हो जाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दो, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, समझ रहा ना, इसका कितना हो जाएगा दो। अब जैसे और एन फैक्टर की बात करूं तो कोई सोल्ट की अगर दे
जैसे AlCl भरी है बताओ इसमें एनफैक्टर, जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है वही एनफैक्टर होता है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा प्लस 3, तो प्लस माइनस नहीं देखना हमने, एनफैक्टर कितना हो जाएगा इसका। यानी जाना है तुमने सिर्फ किसके देखना है एसिड की और बेस को अच्छी तरीके से देख लेना, और आगे दो कंसंट्रेशन फ्रॉम बस्ते करवाएंगे नहीं तो क्लास करवाएंगे। ठीक है।